जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। प्यारे मित्रों जय श्याराम जय माता दी। मित्रों आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि नवरात्रि में हम सभी लोग व्रत रखते हैं, माँ की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ दुर्गा की कृपा को पाने के लिए नौ कन्याओं का करना चाहिए पूजन और उनकी आयु क्या होनी चाहिए, ये इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो शास्त्रों में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन, कन्या के भोज अर्थात भोजन इत्यादि का महत्व बताया गया है। सनातन धर्म के लोगों में सदियों से ही कन्या पूजन और कन्या भोज की परंपरा चली आ रही है। विशेषकर कलश स्थापना करने वालों और नौ दिन तक व्रत करने वाले लोगों को कन्या भोज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लेखों के अनुसार भविष्य पुराण और देवी भागवत के अनुसार कन्या का पूजन का वर्णन बताया गया है। इस वर्णन के अनुसार नवरात्रि का जो पावन पर्व है कन्या भोज के बिना अधूरा माना जाता है। लोग कन्या पूजा नवरात्रि के पावन पर्व पर किसी भी दिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दो दिन अर्थात अष्टमी और नवमी को कन्या का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। तो नौ कन्याओं का करते हैं पूजन, नौ कन्याओं को कराते हैं भोजन। कहा जाता है कि कन्या पूजन जो दो वर्ष से लेकर के दस वर्ष के बीच की कन्याओं को भोजन कराना शुभ माना गया है। कथाओं में कहा जाता है कि कन्या भोज के लिए आदर्श संख्या नौ है। वैसे लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं को भोजन कराते हैं, बच्चियों को बुलाया जाता है, उन्हें माँ दुर्गा के नौ रूप मान करके उनकी पूजा की जाती है। और कथाओं में कन्याओं की उम्र के अनुसार उनके नाम भी दिए गए हैं। जो दो वर्ष की कन्या को कुमारी, तीन वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, चार वर्ष की जो कन्या उसको कल्याणी, पाँच वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा गया है, छः वर्ष की जो कन्या है उसको कालिका, सात वर्ष की कन्या को चंडिका, आठ वर्ष की कन्या को शांभवी कहा गया और नौ वर्ष की कन्या को और दुर्गा और दस वर्ष की जो कन्या है उसको सुभद्रा का रूप माना जाता है। तो दस वर्ष की कन्या का पूजन कम से कम दस वर्ष की बालिकाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दो वर्ष से लेकर के और दस वर्ष तक की कन्याओं का हमको पूजन करना चाहिए। तो ये आपको मैंने बताया है, आप अधिक से अधिक कन्याओं को खिला सकते हैं, परंतु विशेष रूप से नौ कन्याओं का, क्योंकि नौ देवियां हैं, नौ नवरात्रे होते हैं और नवरात्रि भी नौ रात्रि मतलब नौ रात को विसर्जन करके जब देवी का पूजन किया जाता है तो नौ कन्याओं को ही भोजन कराना चाहिए, उनको वस्त्र देना चाहिए, पात्र देना चाहिए, विधिवत उनका पूजन करना चाहिए। तो इस तरह से माँ की कृपा आपके जीवन पर होती है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या का पूजन करके कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। पुनः मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।